डिप्टी स्पीकर के मुद्दे पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष के पास में होना चाहिए पद, ये अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश ने डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए मांगा है। इससे पहले देखिए राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी इसी बात को दोहराया था। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि विपक्ष को मिलना चाहिए डिप्टी स्पीकर का पद। जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। अगर नैनीताल में झील ही ना हो तो क्या होगा, ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों में नैनीताल की झील गहराई लगातार कम होती जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल में निर्माण का ये मलबा बारिश में झील में जाने लगा है। तेज बारिश के दौरान नैनी झील मिट्टी और गाद से भर रही है, तो झील की गहराई भी तेजी से कम हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों को झील बचाने की चिंता होने लगी है। जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं वो लोग क्या करते हैं कि निर्माण से जो मलबा जनरेट होता है, उत्पन्न होता है, उसे उन नाले जो यहाँ पर नाले हैं 79 किलोमीटर लेंथ ऑफ ड्रेन्स जो 1880 के बाद बने थे, उन ड्रेन्स के बगल में वो रख देते हैं। यही और झील यहाँ की लाइफलाइन है, अगर झील ही नहीं रही तो यहाँ कौन आएगा, कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। नैनीताल झील की गहराई पहले 27 मीटर तक थी, लेकिन 2020 में झील की सबसे ज्यादा गहराई 24 मीटर ही रह गई है और 9 जगहों पर तो नदी की गहराई सिर्फ 13 मीटर तक रह गई है। किनारों में तो ये कम होते जा रहा है। तो सुरक्षात्मक दीवार बनाने का काम भी विभाग के द्वारा किया गया था और जो मलबा है उसमें रोलर चलाकर उसको समतलीकरण भी किया था। अगर कोई इस तरह का इशू मलबे का नाले में जाने का आ रहा है तो उसको हम लोग चेक करा लेंगे, उसको समाधान करवाएंगे। बहरहाल नैनीताल की इसी झील से पर्यटन का अस्तित्व भी है और जिस तेजी से झील में मिट्टी गाद भर रही है वो चिंता का सबब है, क्योंकि अगर झील ही नहीं रही तो नैनीताल का क्या होगा, क्योंकि पर्यटक इस सुंदर झील का दीदार करने दूर दूर से आते हैं। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।